थ्री सॉलिड क्यूब हुई साइड आर थ्री मीटर फोर मीटर एंड फाइव मीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड फ्रॉम अ न्यू क्यूब द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज ठीक है देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए ये होता है ए का क्यूब होता है तो जो भी हम यहाँ से जो नया घन बनाएंगे उनका हमें वॉल्यूम तो सेम रहेगा तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं पहले क्यूब के वॉल्यूम हम करेंगे एक का इस यानी कि सत्ताईस हो जाएगा प्लस में इसका हो जाएगा सिक्सटी फोर और इसका बजाय कितना आपका एक सौ पच्चीस सबको ऐड कर लेते हैं सात और चार ग्यारह छः दो आठ एक नौ प्लस एक सौ पच्चीस पाँच और एक छः नौ और दो ग्यारह और एक एक दो दो सौ सोलह सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया कितना होता, होता है भाई फोर सिक्स ए स्क्वायर होता है सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर तो हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी चूँकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब होता है और वॉल्यूम हमें निकल कर आ गया ये हम कह सकते हैं कि अगर, अगर मैं इसका थर्ड रूट ले लूँ यानी क्यूब ले लूँ दो का क्यूब ले लूँ तो हमें यहाँ से वॉल्यूम यानी कि ए निकल कर आ जाएगा तो ए कितना हो जाएगा छः सेंटीमीटर ए छः सेंटीमीटर निकल कर आ गया तब यहाँ से देखो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सिक्स इंटू थर्टी सिक्स दो सौ सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी